योगी सरकार के कावड़ रूट पर दुकानदारों के नामों को लिखने वाले आदेश पर अब एनडीए को अपने सहयोगी दलों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू नेता केसी त्यागी के विरोध के बाद अब केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। जयंत चौधरी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए नेम प्लेट वाले आदेश की सीधी आलोचना की है। जयंत चौधरी ने कहा, इस मामले को धर्म और राजनीति से नहीं जोड़ा चाहिए क्योंकि कांवड़ ले जाने वाले या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती है। उन्होंने पूछा कि सब अपनी दुकानों पर नाम लिख रहे हैं तो बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स वाले आखिर क्या करेंगे। जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला ज्यादा सोच समझ कर नहीं लिया। वो बोले, कहां कहां नाम लिखे, क्या कुत्ते पर भी नाम लिखना जरूरी है ताकि ये तय हो कि हाथ मिलाना है या गले लगाना है। ये फैसला ज्यादा समझदारी भरा नहीं है और हर मुद्दे को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। समय है कि सरकार ये फैसला वापस ले ले। आपको बता दें कि इससे पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी और एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर निशाना साधते हुए इस पर पूर्ण विचार करने की बात को सामने रखा था। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि यूपी से बड़ी यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। यह आदेश प्रधानमंत्री मोदी की सबका साथ सबका विकास वाली व्याख्या के सीधा विरोध है और इस पर पुनः विचार होना ही चाहिए क्योंकि हमारी कोशिश एनडीए को खुशहाल और मजबूत होते हुए देखने की है। आपको बता दें, चिराग पासवान ने भी निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। चिराग पासवान ने कहा था कि अगर धर्म या जाति के आधार पर किसी भी तरह का विभाजन होगा तो मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा। मैं एक शिक्षित युवा हूं जिसकी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के विरुद्ध है। आपको बता दें, योगी सरकार ने हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ा ऐलान, बड़ा बयान कहीं ना कहीं दिया था। केंद्रीय मंत्रियों ने भी तमाम तरह से अब आलोचना करनी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी ने नेम प्लेट वाले मुद्दे पर साफ तौर पर सवाल पूछा है, अब कुत्ते पर भी नाम लिखना चाहिए क्या। ये आप देखें, जिस प्रकार से तमाम तरह के बड़े सवाल कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, सहयोगी दलों की आलोचना की जा रही है। सहयोगी दल लगातार एक तरह से जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ पर तमाम तरह के सवाल कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं, आने वाले समय में एक तरह से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें ये बयान बढ़ा सकते हैं।